हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे टू ऑफ आवर ट्रिप टू अंडमान। और डे टू के मॉर्निंग में हम जॉगर्स पार्क गए थे, जो कि हम बाय वॉक हमने ट्रैवल किया था, हमने वॉक किया था। और ये हमारे जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, मतलब आई थिंक 30 मिनट्स हमने वॉक किया था। तो ये जॉगर्स पार्क बेसिकली बहुत ही हमें अच्छा लगा था मॉर्निंग वॉक के लिए, और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग था। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा पार्क है, वेल मेंटेन्ड पार्क है, और मतलब कि अगर आपके पास 2-3 दिन का अकोमोडेशन अगर आप पोर्ट ब्लेयर में कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये पार्क को विज़िट कीजिए। क्योंकि हमारा जो ट्रिप स्टार्ट हुआ था उसमें 3 दिन हम पोर्ट ब्लेयर में ही रुके थे, तो इसलिए ये वाले पार्क को हमने अपने जो भी हमारा प्लान था उसमें हमने इसे ऐड किया था। इट्स अ मस्ट विज़िट पार्क इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर 2-3 डेज। और ये जो है, ये बेसिकली जो हम 6 लोग थे, ये बेसिकली एक 8 शेप का ये था, तो इसमें हम सब वॉक कर रहे थे। और आप ये देख भी सकते हैं कि इसमें जो मैंने पहना हुआ है वो मैं गिर गई थी, तो उसमें वो फट भी गया था मेरा लोअर, तो इट्स ओके। लेकिन ये काफ़ी अच्छा था, तो इसमें हमने कुछ ट्राई किया था और इसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट्स, आई होप आपने वो ज़रूर देखा है। और बस चलते फिरते हुए जो भी हमें रास्ते में दिखा वो मैंने शूट किया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री था, ये देखिए इसमें एक छोटा बेबी ट्री मुझे दिखा, तो ये मैंने कैप्चर किया था। और क्योंकि हमने फिर वापस आने के लिए भी हम बाय वॉक ही आए थे, तो कुछ कुछ जो भी चलते फिरते मुझे दिखाई दिया वो मैंने शूट कर लिया। और ये जो है ये आम का पेड़ है, और ये बेबी इसमें मैंगोज़ लगे हुए हैं अनराइप्ड, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये सुबह का पार्ट था, उसके बाद दिन में अराउंड आई थिंक 10 to 11 o'clock में हम ये गांधी पार्क गए थे, विच इज़ अगेन नियर टू जो भी मेन जहाँ पे हम रुके हुए थे, जे होटल में हम बेसिकली रुके थे, तो वहाँ से ये पार्क भी वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो हम यहाँ पे गए थे गांधी पार्क। और ये पार्क भी सुपर क्लीन पार्क है, आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी जाके हमने काफ़ी आई थिंक 1-2 घंटे तो आराम से हमने यहाँ पे मतलब बिताया था, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे से ज़्यादा ही। और ये बहुत ही ग्रीनरी से भरा पार्क था, बहुत ही मतलब हमें अच्छा लगा था यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह थे जिसपे हमने कोई भी झूला नहीं छोड़ा, और हम सब में जो है हमने सब में ट्राई किया और हमें बहुत मज़ा आया था बेसिकली यहाँ पे। तो हालांकि इट वाज दिसंबर जो कि विंटर है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता था दिन का वो 29 to 30 degrees ही रहता था, तो काफ़ी गर्म रहता था। तो आप सनग्लासेस, मतलब हमने वहाँ पे पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि अंडमान का टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही रहता है, तो आप सनग्लासेस और ये सब जो भी गर्मी की चीज़ें हैं वो आप डेफिनेटली ले के जाएँ, जो भी आप गर्मी में यूज़ करते हैं, क्योंकि दिन में ऐसे जाके हम डिहाइड्रेट हो गए थे। और हम मतलब कोकोनट वाटर और जो भी पानी वगैरह जो होता है नॉर्मली जो आप गर्मी में यूज़ करते हैं वो हमें विंटर में यूज़ करना पड़ा था। सो यू कैन कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा पॉन्ड मुझे मतलब दिखाई दिया था, ये पॉन्ड है या लेक है पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था तो मैंने इसका ले लिया। और फिर ये इवनिंग में हम चिड़िया टापू बीच गए थे, तो बेसिकली डे टू में हमने स्कूटी रेंट पे ले लिया था, तो जो भी डिस्टेंस था वो हमने स्कूटी से कवर किया था चिड़िया टापू बीच जाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से, आप जहाँ भी रुके हुए हैं वहाँ से आप डिस्टेंस आप जीपीएस में डाल सकते हैं, और जीपीएस जो है वो यहाँ पे आते आते ख़त्म मतलब उड़ गया था नेटवर्क, तो जो भी अगर आपके मैप में वो डाउनलोड हो गया है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ये भी सनसेट के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बीच था, और फिर वापस जाने के टाइम में हम वैसे ही वापस गए थे मतलब स्कूटी से, और
इट वॉज़ अ गुड डे। और शाम में फिर हम एबरडीन बाज़ार गए थे शॉपिंग के लिए। हालांकि उतना कुछ खास हमने नहीं लिया था, बट इट वॉज़ अ गुड डे। डे टू एंड्स विद दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।